आज हम परमेश्वर के वचन में से ये देखना चाह रहे हैं कि परमेश्वर को जो भी बलिदान चढ़ाए जाते थे, जो भी परमेश्वर को कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, उसको ग्रहण करने के लिए स्वर्ग से आग उतरती थी और उस बलिदान को ग्रहण करती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, पवित्र वचन में से, पवित्र बाइबल में से, कि स्वर्ग से क्या होता था, आग उतरती थी और उस बलिदान को ग्रहण करती थी और आज भी इस स्वर्गीय आग का आपके साथ क्या संबंध है, इस पे भी हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस सब्जेक्ट को समझें, इस विषय को समझें जो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आपको ध्यान से लड़ीवार पूरा सुनना होगा, आधा नहीं। जितने लोग ऑनलाइन मुझे देखते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसको आपको चाहिए कि आप पूरा ऐसे सुनिए ताकि आप परमेश्वर के इस अद्भुत काम को समझ सकें। और यह सिर्फ बाइबल स्टडी ही नहीं बल्कि आज क्या महत्व है इसका, परमेश्वर का आग से यानी कि स्वर्गीय आग से गहरा संबंध है। स्वर्गीय आग से परमेश्वर का गहरा संबंध है, वो क्या है, और आपका भी कुछ स्वर्गीय आग से संबंध है, उस पर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन आए पहले हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ना चाह रहे हैं, पवित्र बाइबल में से लेवी व्यवस्था 9 अध्याय उसका 22 वचन से लेकर 24 वचन तक, 22, 23 और 24। लेवी व्यवस्था 9 अध्याय 22, 23 और 24 वचन। ओ हालेलुया, निखारसी बना सखबा लला। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो भी आप इस वचन को समझ सकते हैं। इस सरल तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जितनी जल्दी आप समझेंगे उतनी जल्दी हम इसको पूरा करेंगे। लेवी व्यवस्था 9 अध्याय 22, 23 और 24 वचन। लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि, होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वे नीचे उतर आया। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारे जनता को दिखाई दिया और यहोवा परमेश्वर के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। हालेलुया। क्या हुआ, जब इन्होंने पाप बलि, होम बलि, जो बलिदान चढ़ाए जाते थे आपको मालूम है, उन्होंने वेदी पर बलिदान चढ़ाया। आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले बलिदान चढ़ाए जाते थे, किसके, मेमने का, बकरे के और कुछ वस्तुओं के जो बाइबल में लिखी हुई है। तो उस समय पहले वैसे बलिदान चढ़ाए जाते थे, पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाए जाते थे, इसमें कोई शक नहीं है, लहू बहाया जाता था, बलिदान चढ़ाए जाते थे। लेकिन वो बलिदान ऐसे नहीं होते थे, मेमने का बलिदान चढ़ा दिया और बस समझ लिया बस हो गया बलिदान। तो क्या करते थे, जैसे ही इन्होंने क्या किया, बलिदान चढ़ाया, पाप बलि, होम बलि इन्होंने चढ़ाई, तो स्वर्ग से क्या हुआ, आग निकली। हालेलुया, स्वर्ग से आग आई, एकदम से आग निकली और उस वेदी के ऊपर आई
यहाँ पर बलि की हुई वस्तुएं थी, एकदम से उसे भस्म कर दिया। हालेलुया। तो इससे यह समझा जाता था कि परमेश्वर ने इस बलिदान को क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। उस बलिदान को परमेश्वर ग्रहण कर लेते थे। ये छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बलिदान चढ़ाते हैं, बहुत से लोग हैं जो बलिदान चढ़ाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उस बलिदान को नीचे से क्या करते हैं, आग जब आग लगाते हैं उस बलिदान को होम बलि करने के लिए, नहीं तो वैसे ही बलिदान करके छोड़ देते हैं। लेकिन बाइबल परमेश्वर के पवित्र वचन में क्या होता था, उन्होंने बलिदान चढ़ाया, जो भी बलिदान था उस समय उन्होंने वेदी के ऊपर बलिदान रखा और रखकर पास में नहीं खड़े थे, दूर हुए, थोड़ा सा दूर हुए, जब एकदम स्वर्ग से आग उतरी, स्वर्ग से आग आई और उस बलिदान को भस्म कर दिया। हालेलुया। उस बलिदान को भस्म कर दिया, उस बलिदान को भस्म कर दिया, यानी कि परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण कर लिया। ऐसा ही हुआ करता था। जो भी बलिदान आप पढ़ते हो बाइबल परमेश्वर के वचन में कि उन्होंने ये बलिदान परमेश्वर ने कहा था ऐसा चढ़ाना है, इस बलिदान को उन्होंने चढ़ाया, वेदी पर चढ़ाया, हो सकता है वहां पर यह ना लिखा हो कि ऊपर से आग गिरकर गिरी, लेकिन स्वर्ग से आग गिरती थी, उतरती थी आग और उसे ग्रहण करती थी। पहला राजा 18 दिखाए, जब हम लोग पढ़ते हैं पहला राजा 18 अध्याय 37 और 38 वचन, पहला राजा 18 अध्याय 37 और 38 वचन, पहला राजा 18 अध्याय 37 और 38 वचन। हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तो ही परमेश्वर है, तो ही उसका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गहरे में का जल भी सूख गया। हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पर? एलिया परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा है और उसने वेदी बनाई, लकड़ी रखी, लकड़ी के ऊपर उसने बलि की हुई वस्तु रखी जिसको बलि करना था, वो आपको मालूम है वहां लिखा होगा, और उसके ऊपर कितने ही घड़े पानी के उंडेल दिए, फिर प्रार्थना की, परमेश्वर पिता इस बलिदान को ग्रहण कर। तो क्या हुआ, स्वर्ग से आग उतरी और उसे पानी समेत, जो खड्डों के अंदर पानी भी भर गया था, पानी समेत, लकड़ी समेत, उस बलि समेत, बलिदान के समेत सब कुछ क्या कर दिया, भस्म कर दिया। हालेलुया। तो जैसे ही परमेश्वर के लिए जो बलिदान चढ़ाए जाते थे, अपने पढ़ते हैं पवित्र बाइबल में, वो ऐसे नहीं चढ़ाए जाते थे, स्वर्ग से आग उतरती थी और उन बलिदान को ग्रहण करती थी। मूसा के समय की मैंने बात कही, फिर मैंने आपको एलिया के समय की बात बताई, और थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दूसरा इतिहास 7 अध्याय और 1 वचन, जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों और अन्न बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। हालेलुया। यहाँ पर सुलेमान राजा, दाऊद के बाद सुलेमान राजा क्या कर रहा है, सुलेमान राजा ने, आपको पता है कितने बड़े बड़े बलिदान चढ़ाए थे सुलेमान ने, वहां लिखा हुआ है उसने जो बलिदान चढ़ाए थे, क्योंकि बलिदान ज्यादा थे,
इसलिए वो जो परमेश्वर के आंगन में जो वेदी थी उसके ऊपर वो उन बलिदानों को नहीं चढ़ाया उसने, उसके लिए उसने खुली जगह बनवाई क्योंकि बलिदान ज्यादा थे, तो खुली जगह पर वहां पर क्या चढ़ाए गए, बलिदान चढ़ाए गए। जैसे बलिदान चढ़ाए गए तो क्या लिखा है, जब उसने प्रार्थना की सुलेमान राजा ने कि हे परमेश्वर इन बलिदानों को ग्रहण कर, तो क्या हुआ, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर, स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलि और अन्न बलियों का भस्म किया, होम बलियों को और अन्न बलियों को क्या किया, भस्म किया। हालेलुया। होरी बारा बाबारा सिखरी तेरे पेशे तेरे सिखला बला लबा। इसका आपके साथ भी संबंध है, अभी तो आप इस बात को समझते जाइएगा, आगे चलकर आपको बताऊंगा। देखो उत्पत्ति चार अध्याय में चलते हैं, उत्पत्ति चार अध्याय चार और पांच वचन, उत्पत्ति चार अध्याय चार और पांच वचन। रबला सिखरा सबना सखा बना सको, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने के लिए लाया। तो आदम के दो बेटे थे, कैन और हाबिल। हाबिल ने क्या किया, वहां लिखा पशुओं के बच्चों को परमेश्वर को भेड़ चढ़ाने के लिए ले आया और उनके चर्पे भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसके भेंट को उसने ग्रहण न किया। तो हाबल ने भेंट चढ़ाई, उसको परमेश्वर ने क्या किया, ग्रहण किया। कैन ने भेंट चढ़ाई, उसको परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। यहां पर यह नहीं लिखा हुआ कि स्वर्ग से आग गिरी और हाबल की भेंट को ग्रहण किया, लेकिन मैं दावे के साथ यही कहता हूं स्वर्ग से आग गिरी थी और उससे क्या किया था, ग्रहण किया था। मान लो कैन ने यहां पर भेंट चढ़ा दी, हाबल ने यहां पर भेंट चढ़ा दी, वेदी पे दोनों ने रख दी भेंट। अब दोनों ने भेंट रख दी तो किसी को क्या पता किसकी भेंट ग्रहण की किसकी नहीं की, क्योंकि दोनों की तो ग्रहण की लोग सोचेंगे हमने तो भेंट चढ़ा दी, उनको क्या पता ऐसे लगा, क्योंकि जब हाबल ने भेंट चढ़ाई तो स्वर्ग से आग गिरी और उसे क्या कर लिया, भस्म कर दिया। लेकिन जो कैन ने भेंट चढ़ाई थी उसके लिए आग नहीं गिरी, बल्कि क्या हुआ, लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन उस समय क्या हुआ, एकदम जैसे अंधेरी आती है या कुछ आता है, जो कुछ उसने इकट्ठा कर रखा था सब उड़ गया, तो उन्हें पता चल गया बिस्की भेंट को ग्रहण कर लिया है, मेरे भेंट को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। तो ये शुरू से ही ऐसा था, स्वर्ग से आग गिरती थी उतरती थी और उस भेंट को ग्रहण करती थी। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम भी कहीं ना कहीं भेंट चढ़ा कर आते थे, किसी पेड़ के नीचे भेंट चढ़ा देते, जैसे पेड़ के नीचे भेंट चढ़ाकर वापस आने लगते तो उस भेंट को कुत्ते खा रहे होते थे, कोई स्वर्ग से आग नहीं गिरती थी, वो भेंट ग्रहण नहीं होती थी। फिर थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, उत्पत्ति 15 अध्याय में, उत्पत्ति 15 अध्याय 17 वचन, उत्पत्ति 15 अध्याय 17 वचन। तो ऐसी बातें समझाने के लिए बाइबल में से बहुत से वचन आपको बताने होते हैं हमें, ताकि आप कंफर्म हो जाएं, ताकि कोई आपको दूसरा व्यक्ति पूछे आप बता सकें कि पवित्र बाइबल में ये लिखा हुआ है, चाहे आप भूल जाओ कि कहां लिखा है, लेकिन इतना आपको जरूर पता हो नहीं नहीं ये बाइबल में लिखा, पास्टर जी ने बताया था। उत्पत्ति 15 अध्याय 17 वचन। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मच्छर दिखाई दी जो टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। हालेलुया। यहां पर अब्राहम ने बलिदान किया, परमेश्वर ने उसे कुछ बलिदान करने के लिए कहा, उसने बलिदान किया, वो टुकड़े बलिदान के यहां रखे और
उसी समय वो बलिदान ग्रहण नहीं किया गया, थोड़ी देर लगी उसे, थोड़ा सा समय लगा, वहां लिखा हुआ है। तो फिर अचानक से एक अंगीठी जो कोलों से जल रही थी वो उसे दिखाई दी, और जलती हुई मशाल, इंग्लिश में लिखा टॉर्च, ठीक है, मशाल, मशाल तो उसके हैंडल डंडा होता मशाल का साथ में, वो नहीं, सिर्फ जलती हुई रोशनी, मशाल की तरह रोशनी, जलती हुई रोशनी ऊपर से आई, स्वर्ग से आई, और जो बलिदान किया हुआ था उनके टुकड़ों में से होकर ऐसे वापस लौट गई, तो उस बलिदान को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, देख तेरे संतान होगी। आपको पता है 100 साल की उम्र में अब्राहम के संतान हुई थी, ये कहानी नहीं है, आपको मालूम है, ये सच्ची घटना है। फिर इतना नहीं, आप थोड़ा सा न्यायों में देखिएगा, न्यायों 6 अध्याय उसका 20 और 21 वचन, न्यायों 6 अध्याय 20 और 21 वचन, न्यायों 6 अध्याय 20 और 21 वचन। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और रख मेरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को ढेल दे। हाँ, पूरी घटना जो आगे पीछे की वो मैं आपको नहीं बता रहा, जो मेरा आज पॉइंट है वो यही है। तो स्वर्गदूत ने क्या कहा, क्या कर, मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर, मांस को और अखमीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे, चट्टान के ऊपर रख दे और जूस को ढेल दे। जो जूस लेकर आया था उसके लिए उसने कहा, इसको जूस को भी इसके ऊपर ढेल दे। उसने ऐसे ही किया, ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई। हालेलुया। तो यहाँ क्या हो रहा है, जब दूत स्वर्गदूत गिदोन के पास गया तो उसने कोई बातें कही, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ मुझे चिन्ह दे, तू 2 मिनट रुक, मैं तेरे लिए खाना लेकर आ रहा हूँ। उसके लिए वो खमीरी रोटी लेके आया एक तसले में, जूस लेके आया एक बट्ठल में, जैसा होता है तसला, उसमें जूस लेकर आया और उसके लिए मांस लेकर आया। उसने अब स्वर्गदूत थोड़ा खाएगा उसको, स्वर्गदूत ने कहा इसको चट्टान को रख दे, जैसे चट्टान को रखा तो उसने ऐसे करके छुआ तो एकदम से आग निकली, सब बलिदान ग्रहण किया गया, भस्म हो गया। तो ऐसे ही बलिदान किए जाते थे, ऐसे ही बलिदान ग्रहण किए जाते थे। परमेश्वर का स्वर्गीय आग से संबंध है, एक नरक वाली आग है आपको पता है जो नीचे है, वहां तो वो लोग डाले जाएंगे, आपको पता है शैतान और सब जो परमेश्वर की आराधना नहीं करते। लेकिन ये स्वर्गीय आग जो आपका बलिदानों को ग्रहण करती है उसका परमेश्वर का संबंध है इसके साथ। आप जरा देखिएगा, निर्गमन 3:2 पढ़िएगा, मैं आपको कुछ वचन पढ़ाकर इस बात पर मोहर लगाना चाह रहा हूं। निर्गमन 3:2। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। हालेलुया। और वहां लिखा परमेश्वर बोला अब्राहम उसके मूसा से, तो परमेश्वर ने क्या दिया, यहां दूत लिखा, हालांकि उसके बाद ही परमेश्वर से बात कर रहे हैं आग की झाड़ी में से। तो आग की लो में परमेश्वर से बातें करते हैं। वो झाड़ी जो थी, वो झाड़ी को क्या हुआ था आपको पता है, आज भी है वो, मैं गया हूं वहां मिस्र में, आग की वो जो झाड़ी थी, वो झाड़ी जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। तो मूसा ने जाकर देखा, अरे ये क्या हो रहा है, झाड़ी जल क्यों नहीं रही, भसम क्यों नहीं हो रही, मतलब जल तो रही है भसम क्यों नहीं। पास जाकर देखा, परमेश्वर कहा ये पवित्र स्थान है, अपने जूते उतार दे। फिर परमेश्वर ने उससे बात की, मतलब आग की लो में, आग में से परमेश्वर ने उससे बातें की।
हालेलुया। जो जिस झाड़ी में परमेश्वर ने उसे बातें की थी, आपको मैं बताना चाह रहा हूं आपके ध्यान के लिए, जो वहां का पहाड़ है, वहां के जो पत्थर हैं, पत्थरों के ऊपर भी वो झाड़ी जो थी वो प्रिंट हो गई थी। ठीक है, आज भी वो वहां से पत्थर मिलते हैं, लोग वो वहां बेचे जाते हैं। मेरे पास भी है, हम लेकर आए थे। मैंने कहा कहीं ऊपर ऊपर इन्होंने प्रिंट तो नहीं कर दिया, तुम उसको तोड़कर देखा, तोड़कर देखा तो उसके अंदर भी है, फिर उसका टुकड़ा करोगे उसके अंदर भी है। पहली बार जब मैं गया था तो मुझे शक था, बाद में जब गया फिर वो शक खत्म हो गया। मैंने कहा कहीं ऊपर से मोर लगाकर ऐसे पैसे बनाने के लिए बेच रहे हैं। तो वो झाड़ी उकरी वहां पर, उकरी गई। तो आग की लो में, मेरा विषय जो है आग की लो में, क्या किया? आग में से दर्शन दिए, बात की परमेश्वर ने। फिर आप देखिए, अगर 19 अध्याय पढ़ लीजिए, निर्गमन 19 अध्याय 18 वचन, निर्गमन 19 अध्याय 18 वचन। यहोवा परमेश्वर जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया। परमेश्वर कैसे उतरा? आग में होकर। परमेश्वर यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने बात की, दर्शन दिए, उनसे बातें हुई, सब आप जानते हैं, 10 आज्ञा दी गई, आपको पता है। यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, आग में होकर, और आग उतर कर क्या करती थी? बलिदानों को भस्म करती थी, ग्रहण करती थी। आग में से बातें कर रहा परमेश्वर, आग में होकर क्या हुआ? परमेश्वर सीनै पर्वत पर उतरा। तो इसलिए स्वर्गीय आग से परमेश्वर का बहुत संबंध है। थोड़ा सा और एक दो वचन पढ़िएगा, निर्गमन 13 अध्याय 21 वचन पढ़िएगा, निर्गमन 13 अध्याय 21 वचन। होरी बना सिखल बोर सबनि सिखि बिरि शिद्र सबला पुरस्ति बना तरह खबर सबन तला बला बरा सबन नमा। यहोवा परमेश्वर उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। परमेश्वर क्या करते थे? जब इजरायलियों को मिस्र में से निकाल कर लेकर आए, परमेश्वर रात को उनके आगे आगे चलते थे, आग का क्या लिखा है? खंभा बनकर, आग का खंभा बनकर, आग का खंभा बनकर परमेश्वर के आगे आगे चलते थे और वो सब पीछे चलते थे। साफ लिखा हुआ है, आग का खंभा बनकर परमेश्वर क्या करते थे? आ रही समझ आपको? बस इतने लोगों को आई समझ? तो परमेश्वर क्या कर रहे थे? आग का खंभा बनकर उनके आगे आगे रात को चलते थे। 40 साल तक उनके आगे आगे परमेश्वर चलते रहे। हालेलुया। निर्गमन 14 अध्याय 24 वचन, अभी बाद में पूरा समझेंगे, फिर आपको समझाएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। निर्गमन 14 अध्याय 24 वचन, रात के अंतिम पहर में यहोवा परमेश्वर ने बादल और आग के खंभे में से मिश्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। परमेश्वर ने आग के खंभे में से दृष्टि करके, मैं नहीं कह रहा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है और ये इतिहास में भी है। परमेश्वर आग के खंभे में से क्या कर रहे हैं? दृष्टि करके, यानी कि देख रहे हैं। आग के खंभे में से परमेश्वर देख रहे हैं। आग के खंभे में से परमेश्वर ने देखा और मिस्री सेना को घबरा दिया।
हुआ क्या था? 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष, स्त्रियां और बच्चे लगते मिस्र की गुलामी से बाहर निकले। इतिहास की बात है, मिस्र की गुलामी से बाहर निकले जब मूसा अगुवाई करके उनके बाहर लेकर आ रहा था, तो आगे जब आए लाल समुंदर पर, तो आगे लाल समुंदर था, पीछे मिस्रियों की सेना उन्हें मारने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए, क्योंकि वहां गुलाम थे, मिस्रियों की सेना पीछे दौड़ी चली आ रही थी। और ये अभी सोच ही रहे थे कि लाल समुंदर को कैसे पार करें, हालांकि परमेश्वर ने कहा कि मूसा तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा लाठी, उसने कहा इस लाठी को ऐसे करेगा तू तो ये समुद्र में दो भाग कर दूंगा। तो परमेश्वर ने क्या किया, उस समुद्र को दो भाग कर दिया था। आज भी उन मिस्रियों की सेना के जो रथों के पहिए थे, पिछले समय में साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को मिले हैं। तो जैसे ही ऐसे ये खड़े हैं, ये 6 लाख से ऊपर जितने भी लोग थे, और उधर से मिस्र की सेना आ रही है, एकदम कुछ लोग घबरा गए कि मिस्र की सेना आ गई, अब हम क्या करेंगे, पीछे सेना है, आगे लाल समुंदर है, अब मारे जाएंगे हम लोग। कुछ लोग बुड़बड़ाने लगे, इससे अच्छा था हम वहीं मर जाते, यहां क्यों मर रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया, क्योंकि बीच में थोड़ा सा समय चाहिए था, जो वो आग का खंभा था जो उनके आगे आगे चलता था, ठीक है, वो खंभा, आग का खंभा कहां आ गया, उनके पीछे आ गया, ठीक है। वो आग का, जिनको समझा रही हो समझ लीजिएगा, वो आग का खंभा क्या आ गया, पीछे आ गया। जब तक वो हटा, वहां से खंभा हटा, देखा तो वहां पर तो रास्ता बना हुआ था, सब पार हो गए। तो मिस्री जब पीछे गए उसके अंदर, और पानी फिर चालू शुरू हो गया, और उसके अंदर 400 से ऊपर रथ जो थे मिस्र के, वो रुड़ गए थे, खत्म हो गए थे। तो यहां लिखा है आग के खंभे में से क्या किया उसने, दृष्टि करके देखा, किसने, परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर उनके आगे आगे चलते थे, आग का खंभा बनकर। तो दृष्टि करके देखा और परमेश्वर कहा क्या करूं, इन्हें घबरा ही देता हूं, उनके अंदर भय डाल दिया, घबरा दिया, उनके रथ टूट गए, पहिए जाम हो गए, निकल कर खत्म हो गए। उस समय मिस्र की सेना एक नंबर की सेना थी, जिनके पास 400 रथ थे, हालेलुया, और सब तबाह हो गया, खत्म हो गया। अब आपकी बारी। जकरिया 2:5 पढ़िएगा, जकरिया 2:5। यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है, यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग किसी शहर पर ठहरूंगा और उनके बीच में तेजो में होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं उनके चारों ओर आग की शहरपना। हालेलुया। शहरपना आपको पता होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, शहरपना क्या होते हैं? कोई भी नगर होते थे जो बड़े, आम तो घरों में गेट ही नहीं होते थे, हम लोग जब छोटे थे तो लोगों के घर में गेट ही नहीं होते थे बाहर के, ठीक है, बाद में डंडा लगाने लग गए, नहीं तो खुले रहते थे, चार दीवारी नहीं होती थी उस समय में, लेकिन धीरे धीरे आज इस कंडीशन में हैं। तो लोग उस समय में क्या होता था, नगर जो मजबूत नगर होते थे उनके चारों ओर, या तो राजधानी में तो पक्का होता था, इसमें कोई शक नहीं था, बड़े नगर जो थे जैसे यरूशलम हुआ, शोमरन हुआ, इनके चारों ओर क्या था, शहरपना होती थी, चारों ओर शहरपना होती थी। यरीहो के भी चारों ओर क्या थी, ऊंची दीवारें थी, और शहरपना होती थी तो उसके गेट लगे होते थे, किसी का एक गेट, किसी के दो, किसी के चार गेट, और जैसे ही सूरज डूबने वाला होता था तो गेट बंद कर दिए जाते थे शहरपना के,
सुबह जैसी धूप थोड़ी सी होती थी तो गेट खोले जाते थे, तब कोई अंदर जा सकता था बाहर जा सकता था। और शहरपनाह इतनी मजबूत बनाते थे कि दुश्मनों की सेना आकर उसे गिरा ना सके। शहरपनाह का सिस्टम ऐसा होता था कि उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से होता था कि कई शहरपनाह ऐसी होती थी जिनके ऊपर दो रथ चल सकते थे एक साथ, नहीं तो लोग ऊपर चल फिर सकते थे। सेना ऊपर होती थी, ऊपर से तीर उनके पास होते थे, ऊपर से गोफण मारते थे, गोफण भी हथियार होता था, ऊपर से पत्थर फेंकते थे अगर सेना दुश्मन के आसपास आ जाए तो, तीर मारते थे, पत्थर मारते थे, तो चारों ओर शहरपनाह होती थी, दुश्मन आके तो गेट बंद होता था। फिर भी हम देखते हैं इतिहास में भी, बाइबल पवित्र वचन में भी, कि दुश्मन की अगर ज्यादा सेना होती थी तो आकर उसको क्या करती थी, जो मिट्टी की बनी हुई थी दीवार शहरपनाह से तोड़ देती थी। अगर ईंटों पक्की ईंटों की शहरपनाह बनी हुई उसे भी क्या करती थी, तोड़ देती थी। मैं कहता हूं अगर पीतल की शहरपनाह भी बना लेते तो भी टूट जाती, लोहे की बना लेते तो भी टूट जाती। दुश्मन आते उसे तोड़कर पार आ जाते थे और राजे के ऊपर कब्जा कर लेते थे, जैसे राजधानी के ऊपर कब्जा कर लेते थे पूरा राज्य उनका हो जाता था, वहां झंडा लगाने की देरी होती थी। हालेलुया। लेकिन आप इस बात को समझो, मान लो उसे नगर के चारों ओर मिट्टी की शहरपनाह है, वो टूट जाएगी, दुश्मन तोड़ सकता, पार निकल आएगा तोड़कर, पत्थर की है पार निकल आएगा। लेकिन शहरपनाह अगर आग की है, अगर आग की शहरपनाह है, चारों ओर आग की शहरपनाह है, ऊंची ऊंची आग की लपटें हैं, चौड़ी चौड़ी आग की लपटें चल रही हैं, आग है, कौन जाएगा उसके अंदर, ना कोई घोड़ा ना कोई आदमी, क्योंकि जो भी जाएगा वो आग में सड़ जाएगा, जल बल जाएगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे नगर के चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा, मैं खुद, क्योंकि परमेश्वर का और स्वर्गीय आग का संबंध है। परमेश्वर कहते हैं मैं आग की सी शहरपनाह चारों ओर ठहरूंगा जिसे कोई पार, दुश्मन पार नहीं कर सकेगा। परमेश्वर आपके नगर के चारों ओर शहरपनाह बनाना चाहते हैं ताकि दुश्मन, आप दुष्ट आत्मा हैं, क्या है आपका मित्र है, किसका मित्र है दुष्ट आत्मा, भूत, दुष्ट आत्मा है, किसी का मित्र नहीं है। नशे की आत्मा किसी का मित्र है नहीं है, लड़ाई झगड़े की आत्मा किसी का मित्र नहीं है, बीमारियों वाली दुष्ट आत्मा किसी का मित्र है नहीं है, ये दुश्मन है, ये दुश्मन। आप मैं आपसे गारंटी इस बात की कहता हूं, आपके चारों ओर आग किसी शहरपनाह है, दीवार है आग की चारों ओर, तो आप ये मुझे बताओ क्या दुष्ट आत्मा की क्या हैसियत है, एक दुष्ट आत्मा की क्या, लाखों सेना की क्या, दुष्ट आत्मा की क्या हैसियत है कि वो शहरपनाह को पार कर जाए, उस आग को पार कर जाए, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि कोई दुष्ट आत्मा उस शहरपनाह को पार करे, उस दीवार को, आग की दीवार को। वो आग क्या है, परमेश्वर, परमेश्वर कहता मैं खुद आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा, आग में से परमेश्वर बात कर रहे हैं, परमेश्वर आकर बलिदानों को ग्रहण कर रहे हैं आपके द्वारा। तो पहली बात, परमेश्वर आपके नगर के चारों ओर आग की सी शहरपनाह बनाना चाहते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, यशाया 4:5-6 होरी बाला सिखाना था रखो गुनो सो गोरोसा। यशाया नबी की पुस्तक 4:5-6 तब यहोवा सियोन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सब स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को दधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा।
वे दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी और पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। हालेलुया। पहले तो आपके नगर की बात हो रही थी, अब क्या लिखा है, परमेश्वर आपके एक एक घर के ऊपर, एक एक घर के ऊपर, एक एक घर के ऊपर परमेश्वर क्या करेगा, आपका सवाड़ा बनाएगा, आपके घर के, लिखा है एक एक घर के ऊपर आपका बड़ा बनाएगा। हालेलुया। आपके नगर के चारों ओर आग का बाड़ा बनाएगा कि दुष्ट आत्मा प्रवेश ना करें, कोई नशे की आत्मा प्रवेश ना करे, कोई भी दुष्ट आत्मा प्रवेश ना करे। परमेश्वर लिखा है, आप देखते जाइएगा, वचन को समझते जाइएगा, अब बात हो रही है एक एक घर के ऊपर, किसके, आपके, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और जो चर्च में हैं, एक एक घर के ऊपर क्या बनाना चाह रहा है परमेश्वर, आग का सा बड़ा। हालेलुया। फिर आपको भाग कर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, हाय पास्टर जी दुष्ट आत्मा आ गई, हाय बिशप जी दुष्ट आत्मा आ गई, हाय बचाओ 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 दुष्ट आत्मा आ गई, हाय जी ये हो गया, हमें शैतान ने ये कर दिया, मेरे पास आने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि आपके घर के ऊपर क्या हो गया, आकाशा बड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आएंगे नहीं आप, किस लिए आएंगे, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, आप और हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे होंगे, इसलिए नहीं कि आपको दुष्ट आत्मा पकड़ रही है, क्योंकि परमेश्वर तो आपके घर के चारों ओर आग का सपाटा ला देगा। दूसरा लिखा है एक एक घर के ऊपर, और दूसरा तुम्हारे सभा स्थानों के ऊपर। सभा स्थान कौन से हैं, परमेश्वर के भवन, चर्च। चर्च के क्या करेगा परमेश्वर, जहां भी आप सभा स्थान है आपके, जहां भी आपकी चर्च, जहां भी आप प्रार्थना के लिए जाते हैं, उनके चारों ओर क्या कर देगा, आग का सा बड़ा बना देगा। हालेलुया। आपके नगर के चारों ओर परमेश्वर धधकती आग सिरजेगा, धधकती आग लिखा है, एक एक घर के ऊपर परमेश्वर करेगा। और अब एक एक घर ही नहीं, एक एक व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 3 वचन, ये अंतिम वचन है, आयत है, होरी सी बना सब अलग सखा, और उन्हें आग की सी जीबे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा था, परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, दोबारा से पढ़िए 2 अध्याय 3 वचन, और उन्हें आग की सी जीबे, आग की सी जीबे कहां से आई थी, स्वर्ग से, उन्हें आग की सी जीबे फटती हुई दिखाई दी, फटती हुई दिखाई दी, स्वर्ग से उतरी थी, हाँ, और उनमें से हर एक पर ठहरी, किस पर, हर एक 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 पर आग उतराई हुई। रिबना सिबना सिखला खो तरी पे तरस सिबरी सिखला बल्ला, उनके सभा स्थानों पर, उनके घरों के ऊपर
उनके नगरों के ऊपर वही आग जिसमें परमेश्वर दिखाई देते थे, वही आग जिसमें परमेश्वर बातें करते थे, वही आग जिसके द्वारा परमेश्वर रक्षा करते थे, वही आग जो स्वर्ग से उतरती और बलिदानों को ग्रहण करती थी, वही आग हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर आकर ठहर गई। फिर से पढ़िएगा, और उन्हें आग की सी जीभें, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हर एक पर आ ठहरी, हालेलुया, उन पर हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वैसा पवित्र आत्मा से भर गए। कितने लोग वैसा, क्या लिखा है, वैसा पवित्र आत्मा से भर गए। क्या लिखा है, वैसा पवित्र आत्मा से भर गए। क्या लिखा है, वैसा पवित्र आत्मा से भर गए, वैसा पवित्र आत्मा से भर गए, वैसा पवित्र आत्मा से भर गए। कौन, वैसा कौन, सब लोग, कौन, सब लोग। पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से आग किसी जीभ पे फटती हुई किस पर आकर ठहर गई, हर एक पर, हर एक पर, हर एक पर, हर एक पर। जैसी आग किसी जीभ उन पर ऊपर आई, हर एक पर आकर ठहर गई उनकी रक्षा करने के लिए। शैतान के बंधन टूट गए, अंधकार की ताकतें खत्म हो गई, सारी बीमारियां भाग गई, सारी असफलताएं निकल गई, सारी निराशाएं दूर हो गई, सारे कर्ज उतर गए, और वो क्या करने लगे, पवित्र आत्मा से भर गए। और पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पूरी बाला बाबा रासी खिरी बिशी दरा सखला बाला लबा, ये वही आग है जो हाबिल को बलिदान को ग्रहण करती है, ये वही आग है जिसके द्वारा जो सीने पर वर्षा उतरी थी, ये वही आग है जिसमें से दृष्टि करके देखा और दुश्मन की सेना को घबरा दिया, ये वही आग है जो तुम्हारी नगर के चारों ओर रक्षा करने के लिए रहती है, ये वही आग जो आपके हर एक घर के चारों ओर रक्षा करने के लिए रहती है, ये वही आग है जो आपके ऊपर आती है, आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो और आप अन्य भाषा बोलने लग जाते हो। भूरी वाला बाबा राशि खाला बाला, इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर मसीह, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर मसीह, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। ये आग हर एक पर आके ठहर गई, हालेलुया, हर एक पर आके ठहर गई, और वे अन्य भाषा बोलने लग गए। पहला करंथियों 14 अध्याय 2 वचन कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता वह मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें करता है। किससे बातें करता है, परमेश्वर से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से बोलता है। पूरी बाला बाबा रा सिखाना तरसो बुरुसी बना सब खबरी तलाबा, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। और एक लाइन पढ़ना, पहला करंथियों 14 में ही, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। चार वचन, जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वे अपनी ही उन्नति करता है। अपनी क्या करता है, अपनी क्या करता है, जिसके ऊपर आग की सी जीभें आई, जिसके ऊपर आग आ गई वो परमेश्वर की आग, जिसके ऊपर परमेश्वर की आग आ गई पवित्र आत्मा से वो भर गया। पवित्र आत्मा ने जैसे से शक्ति दी वो मुंह से अन्य भाषा बोलने लग गया, और जो मुंह से अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्यों से नहीं बोल रहा, वो परमेश्वर से बातें करता है, और जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, 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 जिस पर पवित्र आत्मा की आग आएगी, जिस पर परमेश्वर उदय होंगे,
जिस पर परमेश्वर उतर आएंगे। परमेश्वर उम्र नहीं देखते, आजू नहीं देखते, कौन कितने साल का, कौन कितने साल का है। और इसी बेले शिखला साखा बना ताला, जो स्वीकार करते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उन पर पवित्र आत्मा उतर आता है। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या करने लगे वो? अन्य भाषा बोलने लगे। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। तो आप अन्य भाषा बोलने लग जाए, फिर आपको मेरे पास आकर ये कहने की जरूरत नहीं है दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करो मुझे तंग करती है, किसी ने जादू मुझ पर कर दिया प्रार्थना करो, किसी ने टूना मुझ पर कर दिया प्रार्थना करो, ये छोटी मोटी बातों के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं आपको। हालेलुया, हालेलुया। तो शुरू करते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिन्हें अन्य भाषा नहीं मिला वो मांगिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि लिखा है मांगने वालों को स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मांगने वालों को स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। लिखा है मांग पर यीशु मसीह ने कहा मांगने वालों को पवित्र आत्मा मिलेगा, मांगने वालों को पवित्र आत्मा मिलेगा, मांगने वालों को पवित्र आत्मा मिलेगा। इसलिए आप चाहते हैं कि आपके चारों ओर आग किसी शहर पर ना हो, बल्कि अन्य भाषा के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा तो आप खुद ही धधकती आग बन जाते हैं। आपके चारों ओर आग की शहरपना की बात ही नहीं रही, आपके चारों ओर तो शहरपना की बात ही नहीं है, आप खुद क्या बन जाते हैं? धधकती आग। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने लोगों को क्या बना देता है, अपने सेवकों को क्या बनाते हैं? धधकती आग, धधकती आग, धधकती आग। अब मान लो आप धधकती आग हैं, शमशान घाट में से भी जा रहे हैं, आपको 100 दुष्ट आत्माएं मिल रही हैं, 1000 दुष्ट आत्माएं मिल रही हैं, धधकती आग के पास कौन सी दुष्ट आत्मा आएगी? नहीं आ सकती। अगर आपके घर के चारों ओर परमेश्वर ने आग किसी शहर पर बना दी तो आप घर से बाहर निकलेंगे, फिर क्या होगा? दुष्ट आत्मा कहेंगे अब तो यहाँ तो कोई नहीं, बाड़ा बंधा हुआ, बाड़ा तो तेरे घर के आले दुआले बंधा, अब तो घर से बाहर है, यही पकड़ता हूँ, वही पकड़ेगा, मरोड़ेगा, घर के घर में जब आओगे फिर छोड़ देगा। लेकिन अगर आप खुद ही धधकती आग बन गए, जहां मर्जी जाओ। मुझे याद है बहुत वर्ष पहले, कई साल हो गए मुझे, मैं टेलीविजन पे खबरों में देख रहा था, एक एड चल रही थी, तो उस समय ये कछुआ सांप होती थी जिसको घर में वो लगा देते थे और मच्छर को भगाने के लिए कोयल, ठीक है, कछुआ सांप कोयल, तो उसको घर में मच्छर को भगाने के लिए लगा देते थे। मैं सोचता था उस समय, मैं कहता था अरे अब कमरे में तो नहीं आएंगे, घर में तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये कोयल चल रही है, अगर सब्जी लेने जाएंगे वहां मच्छर काट गया, और अगर दूध लेने गए वहां मच्छर काट गया, फिर भी डेंगू तो फिर भी हो जाएगा, जहां मलेरिया होगा वहां तो काट नहीं सकता ना, सुरक्षा तो हमारी घर में है। अब हाथ में लेकर उसको थोड़ा जाएंगे वहां धुनी देते रहेंगे सब जगह। तो फिर मुझे याद नहीं किस कंपनी की थी, किसी कंपनी ने एक एड टीवी में आ रही थी, वो कहते भी आप सब्जी लेने जाओ चाहे दूध लेने जाओ, इसको आप बच्चों को भी इसको क्या करो अपने हाथों पे, क्या करो ट्यूब थी वो, अपने हाथों पे लगा लो, वो आपको मच्छर निकाल, हाथों पैरों पे लगा लो मच्छर निकल जाएगा, है ना। तो वो ट्यूब ट्यूब सी थी, मुझे याद है हम भी लेकर आए थे, याद नहीं आ रहा मुझे कौन सी कंपनी थी, ओडोमॉस कह रहे हैं। तो वो क्या करते थे, उनको हाथ हाथ पे लगा लिया, यहाँ लगा लिया, यहाँ मच्छर ना काटे, बस आंखों में नहीं लगाते थे, चेहरे पे तो वैसे ही अपने ऐसे कर लेते हैं, हाथों पे पैरों पे उसको लगा लेते थे, हम लोग छोटी छोटी ट्यूब सी होती थी उसको लगा लेते, फिर इधर उधर जाते थे, बच्चों के भी लगा देते थे। तो ये मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी सुरक्षा, अगर आपके घर के चारों ओर आग का बाड़ा है तो वहां तो मान लो मच्छर नहीं आएगा, शैतान नहीं आएगा, दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, तो जब आप बाहर जाओगे तो फिर क्या होगा? आपको धधकती आग बनना है। इब्रानियों 1 अध्याय में लिखा हुआ है
आपको धरती की आग बनना है, आपको धरती की आग बनना है। और धरती की आग कैसे बनेंगे? धरती की आग ऐसे बनेंगे जब धरती हुई आग जन के पवित्र आत्मा, जन के वो परमेश्वर जो बलिदानों को ग्रहण करने के लिए आग बनकर उतरते थे, वो आज आपके अंदर आ जाएगी। हालेलुया। जन की जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगी, पूरी बाला बाबा रस्सी बना सखा बाला सी भी नहीं सीखी भी वो। हालेलुया। फिर क्या हो जाएगा? आप कहां मर्जी जाओ, कहां मर्जी जाओ। ये पहले जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो मेरी मम्मी तबीज ले आती थी, तो किसी मर्ग वाले घर में गए तबीज खराब हो गया, किसी के बच्चा जन्मा वहां गए तबीज खराब हो गया। वो कहते थे अरे इसको झूठे हाथ लग गए, ये तो वो तांत्रिक जो था वो कहता आपका तबीज खराब हो गया। लेकिन मैं जो आपको धरती आग परमेश्वर की धरती आग देना चाहता हूँ, दूसरों को तो ये खराब कर दे दुष्ट आत्मा को, आपको खराब नहीं करेगी। ये खराब नहीं होगी, ये कभी खराब नहीं होगी, ये कभी खराब नहीं होगी। हो सकता है आप छोटी छोटी बातों के लिए आए हो, छोटी बातों के लिए भी मेरे जी मेरे ये ऐसा हो जाए, जी मेरे लिए ऐसा हो जाए, जी मेरे लिए ऐसा हो जाए। आज आप धरती आग बनकर जाइए। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उंगली करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो शीतल, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उंगली करता है, अपनी उंगली करता है। हालेलुया। तो अपनी उंगली करते हैं। हालेलुया। पूरी सिबिनी से बना सखरा बतरा सबले सिबिरी ऋषि दरा बाला सा ओ लखना थरा बसी बिरी रे बिनी रे बित गिरे रे बिषि दबा लबा लबा पूरी सिबिनी तबा लबा बरा दमने ना माथे रे बिषि दरे सिखिरे बिषि दरा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूं, पूरी बाला बाबा सिखा लबा बा नमा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अन्य भाषा पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों देगा? पूरी बारा बाबा सी बरी सिद्धि बिर रे बिशिद्री सिखा लबो सुख बोनी तला बारा लबा लबा। मेरे परमेश्वर की परमेश्वर की परमेश्वर इस समय जितने लोग भी पवित्र आत्मा को मांगते हैं, जितने लोग भी पवित्र आत्मा को मांगते हैं, जितने लोग भी पवित्र आत्मा को मांगते हैं, मेरे परमेश्वर पिता जितने लोग पवित्र आत्मा को मांगते हैं और जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, रिबन सी बिरी सिद्धि सिखा लबा नासा मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देखते हैं, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा को मांगते हैं, मेरे परमेश्वर पिता वही आग इन पर ढेल दीजिए, वही आग इन पर ढेल दीजिए, वही आग इन पर ढेल दीजिए, वही पवित्र आत्मा की आग इन पर ढेल दीजिए। मेरे परमेश्वर आप आग में हो कार इनके ऊपर उतरे मेरे परमेश्वर पिता। होरी बाला बाबा रा सिखा नमा तबा रबा हिंदी बेरी नीम तेरे बित गेरे रे बिशदा बाला बाला लबा। ये सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाए, 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 ये सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाए। सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाए। रिबा नहीं थरा बोलो था बा हिंदी भी नहीं मेरे बेत गेरे रे बिशदा बाला बारा रा हिंदी भी नहीं मेरे बेत गेरे रे बिशदा बाला बारा रा बा ओरे बेरे 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 रे बिशदा बाला बाला रा बा। जिन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिला वो बोलना शुरू कीजिए, बाकी सब लोग मांगना शुरू कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु जी ने धरती आग बना, प्रभु यीशु मसीह जी ने धरती आग बना, प्रभु यीशु मसीह जी ने धरती आग बना। वही आग हमें चाहिए, वही आग चाहिए जिस आग में से आप बातें करते थे, जिस आग के द्वारा आप भेंटों और बलिदानों को ग्रहण करते थे, वही आग जिसका आपने वादा किया है कि मैं आपके चारों ओर शहर शहर पना बनाऊंगा। ओले बेरी बिशिदरी सिखा लबर लबा ओरा बाबा रे थना सखा बल बल लबा ओरी सिखा लबर नमा। वो स्वर्गीय आग, वो स्वर्गीय आग, वो स्वर्गीय आग। ओरी बाना थरा बा सिखा लबे रे बे तेरे बेत के रे बे ओरो बानी तबा लबा बड़ी तबा नमा तेरे बेत के रे बिशिद बल बल लबा हिंदी बिनी नी मेरी बेत के रे बिशिद बल बल लबा रा दबर लबा ओरे बेरे रे बिशिद बल नमा। पवित्र आत्मा से भर दीजिए ने, पवित्र आत्मा से भरे। ओरी सी बिनी थबा नमा आप पर पवित्र आत्मा आ रहा है, आप पर पवित्र आत्मा आ रहा है, आप पर पवित्र आत्मा आ रहा है। कितने लोग मुझे ऑनलाइन देखते हैं, आप पर पवित्र आत्मा आ रहा है, आप पर पवित्र आत्मा आ रहा है। कितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप पर पवित्र आत्मा आ रहा है, आप पर पवित्र आत्मा आ रहा है, आप पर पवित्र आत्मा आ रहा है, आप पर पवित्र आत्मा आ रहा है। आप ग्रहण करें,
आग ग्रहण करें, वही आग आप पर आ रही है, वही आग आप पर आ रही है। ये आग, ये पवित्र आत्मा की आग शैतान की ताकतों को जलाकर नाश कर देगी। ये पवित्र आत्मा की आग आपकी बीमारियों को नाश करेगी, आपकी बीमारियां जल बल जाएंगी, आपके शरीरों को छोड़कर बाहर निकलेंगी, सारी बीमारियां, सारे कर्जे के बंधन जलकर राख हो जाएंगे, सारी असफलताएं जलकर राख हो जाएंगी, आपकी निराशा जलकर राख हो जाएगी, आप आनंदित हो जाएंगे। आपके चारों ओर जो बंधन है, आपके चारों ओर जो बंधन है शैतान के, आपके चारों ओर बंधन है जो कर्जे के, आपके चारों ओर बंधन है जो निराशा के, आपके चारों ओर बंधन जो है असफलता के, आपके चारों ओर बंधन है जो बीमारियों के, सारे बंधन आज पौधरात में आग से चल जाएंगे। आज बंधन सारे टूटेंगे, आज बंधन सारे टूटेंगे, आज बंधन सारे टूटेंगे। रब नीत रखो बना सखर या सुखो बोनी तला और इसी बिरी ऋषि दाना सखा बना सुखो बो दरस बना सखा बला बना तबारे लबा पूरी बाला बाबा रसीबा नी समाता ना खामा थोरो बो। आप बोलना शुरू कीजिए, आप बोलना शुरू कीजिए। अगर आपको अन्य भाषा नहीं आता, आप हालेलुया बोलना शुरू कर दीजिए, आप धन्यवाद बोलना शुरू कर दीजिए। स्वर्गीय परमेश्वर आपका धन्यवाद, स्वर्गीय परमेश्वर आपका धन्यवाद, स्वर्गीय परमेश्वर आपका धन्यवाद, स्वर्गीय